बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स ऑफ द डे चैनल में कुछ आप देख वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आपको आसानी मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की तरफ से नई वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बारे में अभी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो पहले नंबर पर पोस्ट लिखी हुई है वो है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसके लिए 8वां स्केल है और इसके जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो BSc इंजीनियरिंग मैकेनिकल होनी चाहिए और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो है नील। उसके बाद नंबर 2 पे जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसके लिए 7वां स्केल है और इसके लिए MCOM और MBA क्वालिफिकेशन रिक्वायर, 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। इसके बाद नंबर 3 पे है केयरटेकर, इसके लिए 3रा स्केल है, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके बाद नंबर 4 पे है जूनियर असिस्टेंट, 3रा स्केल है इसके लिए और इसके लिए भी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है और नील एक्सपीरियंस है। उसके बाद नंबर 5 पे है टेक्नीशियन मैकेनिकल होना चाहिए, बेंच फिटर या मशीनिस्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड AC मैकेनिक, इसके लिए 3रा स्केल है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है FSC प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या मैट्रिक साइंस उसके साथ ही, एक्सपीरियंस नील है। उसके बाद नंबर 6 पे है टेक्नीशियन केमिकल, जो 2रा स्केल है, इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर है 2nd ईयर के साथ और इसके साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है जो है वो 6 साल का है। उसके बाद नंबर 7 पे है टेक्नीशियन बिल्डिंग पेंटर, मैट्रिक रिक्वायर है, इसके लिए एक्सपीरियंस नील है। अभी मैं आपको इसका अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। आपने अपनी CV, अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर जो 10 तारीख यानी कि 10 सितंबर 2019 से पहले पहले जिस एड्रेस पे भेजनी है वो ये है, नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डायरेक्टर HRM PO बॉक्स 2381 GPO इस्लामाबाद। दोस्तों, इस एड्रेस पे आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजना है और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है इनवेलप के राइट साइड पे कॉर्नर पे आपने उसका नाम भी मेंशन करना है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।